कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक आदि को लेकर कालचीनी ब्लॉक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गठन किए जाने की जानकारी राजकुमार लामा के द्वारा दिया गया। कालचीनी के सावित्री धर्मशाला में संपन्न हुए बैठक में कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक उपस्थित थे और सभी के उपस्थिति में उक्त कमेटी गठन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में प्रारंभिक कार्य किए जाने हेतु ये कमेटी बनाई गई है, जिसका सभापति जेगांव के बीवी खवास को बनाया गया। वहीं महासचिव के रूप में कालचीनी के पवन कुमार सिंह झा को बनाया गया। इस जगह इस बैठक में प्राइवेट स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया, जिसके समाधान हेतु ये कमेटी आगामी दिनों में कार्य करेगी, ये कहा गया। बताया गया है कि जल्द कमेटी की एक बैठक आयोजन की जाएगी, जहां स्कूल की समस्याओं और कमेटी को लेकर चर्चा किया जाएगा। कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक आदि को लेकर कालचीनी ब्लॉक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गठन किए जाने की जानकारी राजकुमार लामा के द्वारा दिया गया। कालचीनी के सावित्री धर्मशाला में संपन्न हुए बैठक में कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक उपस्थित थे और सभी के उपस्थिति में उक्त कमेटी गठन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में प्रारंभिक कार्य किए जाने हेतु ये कमेटी बनाई गई है, जिसका सभापति जेगांव के बीवी खवास को बनाया गया। वहीं महासचिव के रूप में कालचीनी के पवन कुमार सिंह झा को बनाया गया। इस जगह इस बैठक में प्राइवेट स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया, जिसके समाधान हेतु ये कमेटी आगामी दिनों में कार्य करेगी, ये कहा गया। बताया गया है कि जल्द कमेटी की एक बैठक आयोजन की जाएगी, जहां स्कूल की समस्याओं और कमेटी को लेकर चर्चा किया जाएगा। कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक आदि को लेकर कालचीनी ब्लॉक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गठन किए जाने की जानकारी राजकुमार लामा के द्वारा दिया गया। कालचीनी के सावित्री धर्मशाला में संपन्न हुए बैठक में कालचीनी प्रखंड के अधीन के विभिन्न प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक उपस्थित थे और सभी के उपस्थिति में उक्त कमेटी गठन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में प्रारंभिक कार्य किए जाने हेतु ये कमेटी बनाई गई है, जिसका सभापति जेगांव के बीवी खवास को बनाया गया। वहीं महासचिव के रूप में कालचीनी के पवन कुमार सिंह झा को बनाया गया। इस जगह इस बैठक में प्राइवेट स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया, जिसके समाधान हेतु ये कमेटी आगामी दिनों में कार्य करेगी, ये कहा गया। बताया गया है कि जल्द कमेटी की एक बैठक आयोजन की जाएगी, जहां स्कूल की समस्याओं और कमेटी को लेकर चर्चा किया जाएगा।